हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, अब तक हमने चार महासागर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन के बारे में बात की थी। आज हमें साउथर्न ओशन, जिसे कि अंटार्कटिका या सदर्न ओशन के नाम से जान जाते हैं, उसकी बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यह न्यूज़ में क्यों है। NGS नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने इसे वर्ल्ड का 5वां महासागर घोषित किया है। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि 8 जून को ओशन डे मनाया जाता है। 1915 में जारी किए गए वर्ल्ड मैप में नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी में कुल 4 महासागरों के बारे में बताया गया था, किंतु दोस्तों वर्ल्ड ओशन डे 8 जून के दिन कुल 4 महासागरों में एक और शामिल किया गया, तथा अब दक्षिणी महासागर भी एक 5वां महासागर बन गया है। दोस्तों, यह एक अकेला महासागर है जो 3 और महासागरों, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन तथा अटलांटिक ओशन को टच करता है। इस महासागर में बड़ी मात्रा में व्हेल, पेंगुइन और सील्स की प्रजातियां पाई जाती है। दोस्तों, दूसरे महासागर कॉन्टिनेंट के नाम से जान जाते हैं, किंतु यह महासागर ऐसा है जिसे ACC अंटार्कटिका सर्कुम्पोलर करंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ACC 24 मिलियन ईयर एगो एस्टेबलाइज हुआ था। ACC का जल प्रवाह अंटार्कटिका के चारों ओर वेस्ट टू ईस्ट दिशा में होता है। दोस्तों, ACC के अंदर का पानी ठंडा तथा दूसरे महासागरों से काफ़ी कम खारा होता है। दोस्तों, इस महासागर में सबसे ज़्यादा पानी ट्रांसफर होता है। यह महासागर पृथ्वी के वातावरण को सर्कुलर इम्पेक्ट करता है, इस कारण इसको अलग से बनाना जरूरी था। दोस्तों, अगर नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी की बात करें तो यह संसार की वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, 1888 में इसकी स्थापना हुई थी तथा US के वॉशिंगटन में इसका हेड ऑफिस है। यह महासागर कई रहस्यों से छुपा है तथा यह पहले अंटार्कटिका महासागर के नाम से जाना जाता था। अब इसकी NCC के द्वारा मान्यता मिल गई है तो इसकी रिसर्च स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने आज 5वें महासागर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और अगर आपको महासागरों के बारे में और भी कुछ जानना है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूँगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।